हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोफ्ते। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं उसके साथ ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए, इस रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चिकन, बोनलेस चिकन था हाफ के जी ये, जिसे मैंने ग्राइंडर जार में डाल के इसे कोसली ग्राइंड कर लिया है। एक बड़ा ऑनियन लिया था जिसे कोसली ग्राइंड किया है, और इसका पूरा पानी मैंने हाथ से ही दबा के, आप चाहे तो एक छन्नी में डाल के उसे प्रेस करके हाथों से ही उसका पूरा पानी निकाल लीजिए। यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, अराउंड 1 टीस्पून ये जाड़ा वाला मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, ये तीखा भी है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप हरा धनिया लिया है, इसे इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है। मेरे पास पुदीना नहीं है तो मैंने सिर्फ हरा धनिया ही लिया है। अगर आपके पास पुदीना है तो 1/4 कप आप हरा धनिया ले, 1/4 कप पुदीना ले, दोनों आप फाइन चॉप करके ले लीजिए। अभी जो बाउल है चिकन वाला, उसमें हम सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, ऑनियन जो हमने ग्राइंड करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे इसी में, और इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन कीमे में मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास समय है तो इसे आधे घंटे के लिए आप मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे इमिजिएटली कोफ्तों का शेप दे सकते हैं। तो चलिए हम इसे कोफ्तों का शेप देते हैं। कोफ्तों का शेप देने से पहले मैंने हाथों में, पूरे पाम में ऑयल लगा लिया है, और थोड़ा सा बैटर लेना है, उसे इस तरह से राउंड कर लेना है। आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करके इसे राउंड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको कोफ्तों को राउंड शेप कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारे कोफ्तों को शेप कर लिया है। आप चाहे तो इससे छोटे भी बना सकते हैं या इससे बड़े भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। अब चलिए इन कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में अराउंड 1 कप ऑयल लिया है, इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम एक एक करके सारे कोफ्ते डाल देंगे। अभी फ़िलहाल मैंने गैस को स्लो कर दिया है कोफ्ते डालने के लिए। इसी तरह से हम सारे कोफ्तों को डाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे कोफ्तों को पैन में डाल दिया है। अब मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब इसी तरह से बिना स्टर किए हुए इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। कोफ्तों को डालते के साथ ऑयल में ही अगर हम स्टर कर देंगे तो वो टूट जाएंगे, इसीलिए 4 से 5 मिनट इसे इसी तरह से रहने दीजिए। उसके बाद हम इसे दूसरी तरफ टर्न करेंगे। ये देखिए, कोफ्तों को पकते हुए मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसे दूसरी तरफ टर्न करके पका लेते हैं। इसी तरह से हम सारे कोफ्तों को टर्न कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारे कोफ्तों को टर्न कर लिया है। अब हम दूसरे साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसे हर तरफ से हमें गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छी तरह से कुक कर लेना है इसे। ये देखिए, मैंने कोफ्तों को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं ये। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने थोड़ा सा बड़ा पैन लिया है, वो पैन थोड़ा सा छोटा था। कोफ्ते तलने के बाद जो ऑयल बचा था वो सारा ऑयल हम इसमें डाल देंगे, और ये सेम ऑयल में बहुत ही फ्लेवर होता है, इसलिए मैं सेम ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और इसी ऑयल में हम सारी ग्रेवी बनाएंगे। ऑयल में मैंने ऐड किया है 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन, जिसे मैंने मिक्सर में ही ग्राइंड कर लिया है। प्याज को डालने के बाद हम इसे स्टर कर लेते हैं। ये देखिए, प्याज डालते के साथ मैं इसमें एक छोटा सा तेज पत्ता डाल रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। सारी ग्रेवी का नमक मैंने एक साथ में ही डाल दिया है, तो इसे हम दोबारा नहीं डालेंगे नमक को। नमक डालने से प्याज बहुत जल्दी पक जाता है। प्याज को हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाना है,
गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए प्याज हमारा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमें इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अदरक लहसुन को हमें मीडियम फ्लेम पे इसकी कच्ची स्मेल जाने तक भूनना है। इसे 2 से 3 मिनट ही लगते हैं अदरक लहसुन भूनने के लिए। ये देखिए हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून चुका है, तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 3 बड़े टोमेटोज जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। टोमेटोज डालने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं अराउंड 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। नमक अभी फिर से नहीं डालना है हमें, हम बाद में चेक करके डालेंगे बिकॉज ऑनियंस पकते समय हमने ऑलरेडी नमक डाल दिया था। अब गैस के फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और मीडियम करके इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं टोमेटोज को पकते हुए, एक बार इसे स्टर कर लेते हैं। और इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ये, इससे कलर बहुत अच्छा आता है किसी भी ग्रेवी का। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप दही, फेटा हुआ दही लिया है मैंने, इसे अच्छी तरह से फेट लिया था डालने से पहले सो दैट ये फटे नहीं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है टोमेटोज के साथ। ये देखिए मैंने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है टोमेटोज के साथ। अब हमें गैस के फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है और इसे कवर करके पकाना है। बीच बीच में हम इसे स्टर करते रहेंगे हर 5 मिनट के बाद सो दैट ये नीचे से जल ना जाए। आलू को भूनते हुए अराउंड 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। बीच बीच में मैंने इसे स्टर किया था हर 2-4 मिनट के बाद। ये देखिए मसाले पक चुके हैं, ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हमें ऐड करना है अराउंड 500 ml वाटर, 2 छोटे ग्लास पानी है ये। और अब हमें फ्लेम को हाई करना है, मसालों को अच्छी तरह से इससे में मिक्स कर लेना है। अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से उबाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए ग्रेवी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम पतली सी ग्रेवी है ये, बिकॉज अभी हमें इसमें कोफ्ते डालना बाकी है। तो अब हम 5 मिनट इसे पका लिया है ग्रेवी को, उसके बाद हम इसमें कोफ्ते ऐड कर रहे हैं। अभी गैस हाई फ्लेम पे है, सारे कोफ्तों को हम इसमें डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद इसे एक बार स्टर कर लेंगे ताकि ये सारे पैन में अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए सारे पैन में। अभी भी फ्लेम मैंने हाई पे ही रखा है। अब हम इसे 2 मिनट तक कवर करेंगे, कवर करके पकाएंगे, फिर उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए कोफ्ते डालने के बाद 2 मिनट हो चुके हैं, इसे कवर करके पकाया था हमने। अब देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए किस तरह से गाढ़ी हो गई है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गई है। कोफ्ते तो पके हुए पहले से थे बिकॉज हमने इसे डीप फ्राई किया था, तो इसलिए पकाने का ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट हमने इसे ग्रेवी के साथ इसलिए बॉईल किया था ताकि सारा जो कोफ्तों का फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ जाए और ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाए। ये देखिए किस तरह से गाढ़ी हो गई है ग्रेवी। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और कोफ्तों को कवर करके इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि कोफ्ते फूल जाए और अच्छी तरह से ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर ले। ग्रेवी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी कोफ्ते जब ग्रेवी अब्जॉर्ब करेंगे तब। ये देखिए अराउंड 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है और कोफ्ते भी कितने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब मैं आपको इसे प्लेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने थोड़े से कोफ्ते एक प्लेट में निकाल दिए हैं, कितने डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब हम इसे थोड़े से धनिया पत्ते के साथ गार्निश कर देते हैं। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।